नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। सिमी आतंकवादियों से मुठभेड़ पर बड़ा सवाल। हाल ही में भोपाल की केंद्रीय जेल से फरार हुए सिमी के 8 आतंकवादियों से मध्य प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ पर एक ऑडियो टेप ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस ऑडियो में कथित तौर पर मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों की बातें सुनाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो इस मुठभेड़ को पहले ही फर्जी करार दे चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आतंकवादियों के भागने और बाद में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत की घटना की न्यायिक जांच कराने का आदेश दे दिया है। मुठभेड़ दिवाली के दूसरे दिन हुई थी, जबकि आतंकी दिवाली की रात जेल से फरार हुए थे। टेप में एक व्यक्ति यह कह हुए सुना जा सकता है कि दूसरी ओर से फायरिंग शुरू हो गई है। वह पुलिस वालों को पोजीशन लेने के लिए कहता है। उन लोगों को घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम से संवाद के लिए वायरलेस सेट का कम इस्तेमाल करने और मोबाइल फोन का प्रयोग करने को कहा गया। टेप में एक व्यक्ति यह भी कह रहा है कि घेर के कर दो पूरा काम तमाम। इस ऑडियो की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 9 मिनट की ऑडियो टेप के सबसे अंत में सुना गया, पटेल साहब निपटा दो। एक जगह सुना गया, उनको जल्दी निपटा दो, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचने वाला था। ऑडियो में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के मारे जाने पर जश्न मनाने और एक दूसरे को बधाई देने की आवाजें सुनाई देती हैं। टेप में मुठभेड़ के दौरान कंट्रोल रूम और ऑपरेशन में शामिल जवानों के बीच बातचीत भी है। 8 आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलिसकर्मी अधिकारियों को बताते हैं कि सभी को मार दिया गया है। इस पर अधिकारियों ने शाबाशी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए इस मुठभेड़ को फर्जी बताया है। उन्होंने इस मुठभेड़ की जांच की भी मांग की है। ये नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रदूषण से खतरा बढ़ा, एनजीटी ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को लताड़ा। गोलीबारी बंद होने के बावजूद घर नहीं लौट रहे जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती गांव के लोग। संघीय जांच ब्यूरो ने हिलरी विरोधी फर्जी दस्तावेजों की जांच शुरू की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, लाशों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीसीसीआई ने ईसीबी से भारत दौरे का खर्च खुद उठाने को कहा। ये थी अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।